एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अर्पिता। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में फसल के मुआवजे के नाम पर किसानों को 75 रुपए तक के चेक बांटे गए हैं, जबकि नियमों के मुताबिक किसानों को मुआवजे के नाम पर 750 रुपए से कम का चेक नहीं दिया जा सकता है। लेकिन नियमों से बेपरवाह सरकार अधिकारियों ने, जो सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने किसी किसान को 75 रुपए तो किसी को 100 रुपए का चेक पकड़ा दिया है। चेक पर लिखी गई रकम किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, क्योंकि उम्मीद के साथ वो वहां पहुंचते हैं, भारी भरकम नुकसान उनका हुआ होता है। और ऐसे में केवल 70 रुपए का चेक अगर आप मिले तो आप खुद ही समझ सकते हैं। अब किसान ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन पैसों से वो आखिरकार करे तो क्या करे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कई ऐसे किसान हैं जो अभी तक मुआवजा भी उन्होंने नहीं लिया है, क्योंकि आखिरकार वो 70 रुपए से लेकर करेंगे भी क्या। किसानों का कहना है कि प्रशासन ने बर्बाद हुई फसलों का सर्वे भी नहीं कराया है। से गिर के नष्ट हो गए, उनके बाद हमने सुना कि सर्वे हुई, सर्वे में कोई का इतला नहीं हुआ। और उसके बाद हम शाम तक बैठे रहे वहाँ कि मंत्री जी आएंगे तो मिलेगा जी। तो हमको 75 रुपए के चेक मिली। कौन मंत्री? मंत्री का हम नाम साहब नहीं जाने थे। किसानों के साथ मजाक हुआ है और किसानों को जितना किसान भीख देता है, भीख के बराबर भी सरकार ने किसानों को भिखारी से भी बेहतर किसानों को समझाया, जबकि किसान सत्ता पेट भरता है। भैया गेहूँ समझा लेटा पड़ा है, काटने वाले भी नहीं जा रहे हैं और सब लोग उनका जो है कुछ 7500 अलबे हुआ, हमारा एक को पैसा नहीं आवा, उसको देखने नहीं गए। सर मेरा 18 बीघा खेत है सर, और लोग का तो सर कोई 40 कोई 50 सर आया, और मेरा तो वो भी नहीं आया, एक भी नहीं आया, पूरी फसल एकदम बेकार हो गई सर। सर मेरे भाई छोटे छोटे हैं सर, और 18 बीघा खेत में एकदम सर एकदम खत्म हो गई फसल, एक भी पैसा नहीं आया सर। और लोग को मतलब तो सर्वे हुआ, मेरे गांव में यहाँ तक सर्वे ही नहीं हुआ। कानून में भी है कि भाई 750 रुपए से कम, अगर उसके पास में वो किसान है और उसके पास बेचे आधा बीघे जमीन है, मतलब 750 से कम उसको दिया ही नहीं जाएगा। या तो आप बत दो, मतलब 64 रुपए का, 60 रुपए, 100 रुपए का कोई होता नहीं। इसमें किसान की भी इंसल्ट है और इसमें सरकारों की भी है। नुकसान का जायजा लिया राज्य सरकार ने, और उसके बदले में उन्होंने कहा कि हम राहत दे रहे हैं और कंपनसेशन दे रहे हैं नुकसान का। वो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 75 रुपये एक एक काश्तकार को दिए हैं, किसी को 100 रुपया दिया है, किसी को 150 रुपया दिया है। ये तो जले पर नमक छिड़कने का है। पूरी मैं तो होके आया हूँ कई जनपदों में, वहाँ 70 से 80% फसल लोगों की बर्बाद हो गई है, और उसके बदले में अगर 75 रुपया मुआवजा देंगे तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने किसानों का अपमान किया है और उनके हितों की उपेक्षा की है। तो सुना और देखा आपने, लगातार प्रतिक्रियाएं अब आनी शुरू हो गई है, क्योंकि एक भद्दा मजाक यहां पर किसानों के साथ मुआवजे के नाम पर हो रहा है। अनूप कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं सारी जानकारियों के साथ। अनूप, आखिरकार ये किस प्रकार का मजाक इन किसानों के साथ है? उम्मीद लगाकर ये गए थे कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन मुआवजा अगर 70 रुपए का हो तो ऐसा मुआवजा भी किस काम का? बिल्कुल अर्पिता जी, देखिए एक बहुत बड़ी संवेदनहीनता सामने आई है फैजाबाद जिला प्रशासन की। मैं आपको बता दूं कि फैजाबाद जिले में अभी तक फसलें बर्बाद होने के सदमे से अभी तक 5 किसानों की मौत हो चुकी है। लेकिन संवेदनहीनता किस कदर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं और जो लेखपाल हैं वो कितने जिम्मेदार हैं कि उन्होंने अपने घर बैठकर पूरे बर्बादी का सर्वे कर लिया, और जो जो भी लोग थे जिन्हें मुआवजा मिलना चाहिए था उन्हें मुआवजे के तौर पे 75 रुपए मिले हैं। और दिलचस्प बात इसमें ये भी है कि सर्वे कदर किया गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गांव में जो कब्रिस्तान की जमीन थी वहां की जमीनों को भी, खेती की जमीन दिखाकर उनको भी 100-125 रुपए का मुआवजा बना दिया गया। तो ऐसे में जो है एक बहुत बड़ी चूक फैजाबाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की नजर आ रही है, जिन्होंने सिर्फ लेखपाल के भरोसे इतने बड़े मामले को जो है हैंडल किया, और जिस तरह से लेखपालों ने जो रिपोर्ट बनाकर जो सर्वे करके दे दिया उसी पर भरोसा करके और अपने एसी कमरों में बैठकर जो है मुआवजे के चेक पर साइन कर दिया। और आलम यह है कि अब वो किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अधिकारी अभी भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं।
बिल्कुल अनूप, और यहाँ पर ये कहना भी जरूरी है कि अगर ये तस्वीरें सामने नहीं आती, ये बातें जो लोग बोल रहे हैं कि 70 रुपए का मुआवजा उन्हें मिल रहा है, ये बात अगर सामने नहीं आती तो शायद यही आगे उनका चुनावी एजेंडा हो जाता कि हमने किसानों को मुआवजा दिया है। ये नहीं पता कि जमीनी हकीकत आखिरकार क्या है। तस्वीरें ये बयां कर दिया, इन लोगों के ये जो बयान है उन्होंने ये बयां कर दिया है कि 70 रुपए के मुआवजे इन्हें दिए गए। बिल्कुल, देखिए अर्पिता जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार जिस तरह से किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकारें राजनीति करती हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल सरकार पे अनूप सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन किसी प्रकार की सफाई अभी तक सामने आ पाई है क्या सरकार की तरफ? ये मामला मीडिया में आने के बाद, जब टीवी चैनल पर ये खबरें प्रसारित हुई, तो उसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने जो है आज एक बार फिर से नए चेक वितरित करने की बात कही है। अभी सुबह जब हमारी अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना था कि आज जिन किसानों को 100-125 रुपए के और 75 रुपए के चेक वितरित किए गए हैं, उनकी जगह पर उन्हें जो योग्य है, जो सर्वे दोबारा कराए गए उस आधार पे नए चेक वितरित किए जाएंगे, इसकी सूचना अभी तक मिल रही है। लेकिन अनूप, ये समाधान इसका निश्चित तौर पर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई फैजाबाद की, जहां फसल के मुआवजे के नाम पर किसानों को मात्र 75 रुपए तक के चेक बांटे जा रहे हैं।